नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं जिस जॉब के बारे में बात करूँगा वो ओडिशा पुलिस से आया हुआ है, मतलब ओडिशा गवर्नमेंट से एक जॉब अनाउंसमेंट किया गया है। और तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 200 टेक्निकल पोस्ट है, और टेक्निकली पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस जॉब के पूरा डिटेल्स देखिए। और ओडिशा पुलिस से टोटली रिक्रूटमेंट जो आया हुआ है वो आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो 200 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज है, और 200 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिला। जो कुल मिलाकर वैकेंसीज है वो किस तरीके से कैटेगरीज वाइज आपको ऑफर किया गया है सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस जॉब के बारे में। तो आप देख सकते हो ओडिशा पुलिस से जो रिकमेंड आया है वो टोटली देखा जाए तो टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, और ओडिशा पुलिस से ही आपको रिकमेंड किया जा रहा है। यहाँ पे पंजाब पुलिस के ऊपर है 200 का टोटल आसपास यहाँ पे वैकेंसीज। और यहाँ पे देखिए अलग अलग है, जैसे मास्टर के लिए 29, साथ ही साथ सरेंग्स के लिए आपको 49, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग इंजीन ड्राइवर्स के लिए 53, साथ ही साथ आप देखेंगे तो डीजिंग ड्राइवर के लिए आपको 38, एंड यहाँ पे देखिए सीमेंस मैकेनिक के लिए आपको 31। तो अलग अलग पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 45, ओबीसी के लिए 48, और SC ST के लिए 50 तक आपको एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन के प्रोसीडियर के बारे में बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से आप सिलेक्शन हो पाएंगे। और सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो 29,750, और मतलब जो मास्टर कैटेगरीज के जॉब में अप्लाई करेंगे। और बाकी देखिए ड्राइविंग इंजन ड्राइवर के लिए आपको 25,288, और यहाँ पे देख से बाकी जो पोस्ट है मैकेनिक्स का 22,300। तो इस तरीके से पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला। एप्लीकेशन फीस जो है वो कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर डिग्री है, और मतलब मास्टर में आपको CPO के ब्रांच से आपको पास आउट होना चाहिए। तो कुछ कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया गया है आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको ध्यान से यहाँ पे चेकआउट करना, उसके बाद अप्लाई करना। तो इसका लास्ट डेट कितना रहेगा? लास्ट डेट रहेगा 28 फेब्रुअरी, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो जरूर यहाँ पे आप डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। वो दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में आपको पूरा डिटेल्स में दिया गया हो, तो और साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई बटन में क्लिक करना, नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो अलग अलग पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ओडिशा पुलिस यहाँ पे कटक में आपको जॉब मिलेगा, और स्टेट लेवल का जॉब है, गवर्नमेंट का जॉब है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो जो मैं आपको डिटेल्स दिया हुआ हूँ, क्वालिफिकेशन का डिटेल्स, टोटल वैकेंसीज का डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद आपको सैलरी पैकेज भी यहाँ पे दिया गया है, और एज लिमिट भी आपको दिया गया है। कैटेगरी वाइज आपका सारे चीज़ यहाँ पे देखने के बाद आप अप्लाई जरूर करिएगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन में क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, तो इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।